बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है साल 1999 में आई कच्चे धागे, जिसमें जहां इस फिल्म के अभिनेताओं ने अपने टैलेंट से हर किसी को अपना मुरीद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म की खूबसूरत अभिनेत्रियों ने भी अपनी खूबसूरती और अदायगी से हर किसी को अपना दीवाना बनाया था, जिसमें दर्शकों की सबसे चहेती रही थी मनीषा कोइराला, जिसमें फिल्म में रुखसाना का किरदार निभाकर हर किसी का दिल जीता था और आज भी अपने किरदार के साथ दर्शकों के दिलों में राज कर रही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अपनी इस मेहनत और मशक्कत के दौलत और शोहरत हासिल कर चुकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने एक समय पर बेवफाई का सामना भी किया था। जी हाँ, उन्हें दगे देने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके लविंग पति थे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अभिनेत्री मनीषा कोइराला की दौलत शोहरत से लेकर पति की बेवफाई की पूरी दास्तान से रूबरू करवाएंगे, जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन इन सभी बातों के बारे में जानने से पहले आप इस खूबसूरत अदाकारा के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1999 में आई सुपरहिट फिल्म कच्चे धागे में रुखसाना का किरदार पर्दे पर पेश करने वाली अदाकारा मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को काठमांडू में हुआ था, लेकिन इनकी सारी पढ़ाई वाराणसी से कम्प्लीट हुई है। बात की जाए इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1989 में आई नेपाली फिल्म फेरी बेटाउला से की थी, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री इन्हें 1991 में आई फिल्म सौदागर से मिली थी, जिसमें राधा का किरदार निभाकर इन्होंने दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें इनकी असल पहचान साल 1994 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से मिली थी, जो कि इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी के बाद से ही मनीषा कोइराला बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बनकर सामने आई, जिन्होंने आगे दिल से, लाल बादशाह और खामोशी द म्यूजिकल जैसी कई फिल्में देकर खुद को बॉलीवुड के यादगार अभिनेत्रियों में शुमार किया है। आपको बता दें कि यूं तो अब ये फिल्मों में उतनी ज्यादा सक्रिय यानी कि उतनी ज्यादा बनी हुई नहीं है, लेकिन अपने स्टार्डम के समय पर ये अपनी फिल्म को करने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज किया करती थी। चलते ही ये करीब 78 करोड़ रुपए की मालकिन बनी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला इनका महंगा वाला बंगला है, जो कि करीब 14 करोड़ रुपए की कीमत रखता है, जिसकी खूबसूरती तो बेमिसाल है ही, साथ ही उसमें आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फैसिलिटी भी देखने को मिल सकती है, जो हर किसी को इनके घर की तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि ये अपनी प्रॉपर्टी के साथ अपनी लाइफस्टाइल पर भी काफी मोटा पैसा खर्च करती हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तो जाहिर सी बात है ना दोस्तों कि इनके कपड़े भी उसी हिसाब से होंगे। वहीं अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए इनका इन कपड़ों के साथ साथ जॉर्डन और गुच्ची जैसे ब्रांड के फुटवेयर भी कैरी करने पड़ते हैं, जिन पर 50,000 से भी ज्यादा की कीमत पार कर जाती है। वहीं इन्हें परफ्यूम और हैंड बैग्स का भी काफी ज्यादा शौक है, जो कि H&M बर्बरी जैसे ब्रांड के होते हैं, जिनकी कीमत 50,000 से स्टार्ट होती है। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि इनके पास कार्स की भी कमी नहीं है, जिसमें आपको मर्सिडीज, रेंज रोवर, वॉग और BMW जैसे लग्जरियस कार्स देखने को मिल जाएंगी। अब एंड में रूबरू हो जाते हैं इनके पति की बेवफाई भरी दास्तान से। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों कि इन्होंने साल 2010 में सम्राट दहाल के साथ शादी की थी, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है और अपने करियर में काफी ज्यादा सफल हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों का ये रिश्ता कुछ खास नहीं रहा था, जिसके चलते इन दोनों ने साल 2012 में डिवोर्स ले लिया। और बात करें इसकी वजह की, तो बता दें कि खबरों की माने तो सम्राट दहाल ने शादी से पहले जो भी वादे किए थे वो उन्होंने कभी भी पूरे नहीं किए। शादी के बाद ये मनीषा कोइराला से काफी ज्यादा झूठ बोलने लगे थे। लेट नाइट पार्टीज करना और ड्रिंक करना तो इनकी हैबिट बन गई थी, जिसके चलते इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाइयां और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगी, जिसके चलते आज दोनों ही अलग होकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी इनके पति की बेवफाई भरी दास्तान के बारे में जानकर हैरानी हुई है क्या? आप हमें क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसे ही धमाकेदार खबरों से जानने के लिए और उनसे अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।